नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एडुपार यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सौरभ शर्मा, स्वागत करता हूँ आप सभी का हरियाणा जीके के पार्ट टू में। ठीक है, आज हमारा पार्ट टू है। पार्ट वन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिन्होंने पार्ट टू नहीं देखा अभी तो पार्ट वन नहीं देखा वो पहले पार्ट वन को देखें फिर पार्ट टू पर आएँ। मैंने आपसे वादा किया कि मैं हरियाणा जीके के आपको 10,000 क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले अपने चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, पहले मैंने 260 के करीब क्वेश्चन डाले थे और आगे और पढ़ते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, इतने क्वेश्चंस की देखो सब टोटल 100% की गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे इन्हीं से। चलिए, लाला लाजपत राय और सरकार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया था? ठीक है, तो वर्ष 1907 में लाला लाजपत राय और सरकार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस 12 जनवरी 1932 को मनाया गया। कब मनाया गया? 12 जनवरी 1932 को। चलिए, थर्ड क्वेश्चन, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो हरियाणा में कांग्रेस की जो स्वर्ण जयंती थी वो 28 दिसंबर 1935 को मनाई गई थी। क्लियर। आगे लाला, चौथा क्वेश्चन, लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 1929 में रोहतक में आयोजित हुई एक सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? तो उसमें जो मुख्य अतिथि वो थे मोतीलाल नेहरू। चलिए, 1843 ईस्वी में कैथल के राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद किसने राजगद्दी का हक जताया? तो गुलाब सिंह ने राजगद्दी का हक जताया था, गुलाब सिंह ने। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित कर नाकाबंदी की थी? तो 10 अप्रैल 1843 को कैथल के चारों ओर अंग्रेजों ने चौकियां स्थापित करके नाकाबंदी कर दी थी। किस जिले के जाटों पर आर्य समाज का प्रभाव अधिक था? रोहतक के जाटों पर। स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया? स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में पंजाबी और हिंदी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विरोध खड़ा हो गया? तो भाषा के प्रश्न पर, भाषा के लैंग्वेज के ऊपर वहाँ पर सब विरोध खड़ा हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वर्ष 1955 में कहाँ के पुलिस उपाध्यक्ष के दुर्व्यवहार के विरुद्ध बहुत जल्द से जुलूस हुए? तो सिरसा के पुलिस उपाध्यक्ष के दुर्व्यवहार के विरुद्ध। सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के लिए कब आंदोलन शुरू किया? तो सिखों के नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे के खिलाफ वर्ष 1960 में आंदोलन शुरू किया। चलिए, वर्ष 1924 में जमींदार लीग की स्थापना चौधरी छोटू राम ने की थी। जमींदार लीग की स्थापना चौधरी छोटू राम ने की थी, आप सभी को बता। किस वर्ष तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी? 1907 तक हरियाणा के प्रत्येक जिले में कांग्रेस की शाखा खुल चुकी थी। हरियाणा में आरंभिक क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था अंबाला था। अंबाला से जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती थी वहां से स्टार्ट होती थी अंबाला। हरियाणा के मैदानी भाग का समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 700 से 900 फीट। कहीं पर 700 फीट है तो कहीं 900, मतलब 700 से 900 फीट के बीच में जो मैदानी भाग है उसका समुद्र तल से ऊंचाई। आप जनरली जब आप रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो वहां पर जनरली लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, चलिए, कर्नल एम एल भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र छूता था? तो कर्नल एम एल भार्गव के अनुसार हरियाणा के दक्षिणी भाग को किसी टाइम पर समुद्र छूता था, किसी टाइम पर। ठीक है, जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है? गिरिपाद मैदान के दक्षिणी भाग में जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है। हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? तो हरियाणा का घग्गर यमुना मैदान 93.76% भाग पर फैला विस्तृत है। घग्गर यमुना मैदान की ऊंचाई है 300 मीटर से भी कम ऊंचाई है घग्गर मैदान की ऊंचाई। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पहाड़ी एवं चट्टानी है जो अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है? उसे 3.09% जो राज्य का भाग है वो पहाड़ी एवं चट्टानी है। क्लियर है, आगे चलते हैं। हरियाणा के कितना प्रतिशत भाग में उप शिवालिक तथा शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है? तो 1.3% भाग पर उप शिवालिक और शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है हरियाणा के 1.38% भाग। हरियाणा किस तरफ से किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो भैया किसी भी तरफ से टच नहीं करता है हरियाणा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 31 ख के साथ पठित
नौवीं अनुसूची में शामिल विधेयक कौन सा है? हरियाणा पिछड़ा वर्ग विधेयक 2016 जो है वह नौवीं अनुसूची में शामिल है। अगला, हरियाणा के किस जिले में शिवालिक पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? शिवालिक पहाड़ियाँ रोहतक में नहीं है। हरियाणा की जलवायु किस प्रकार की है? उपोष्ण कटिबंधनीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है, शीतकाल में 12 डिग्री सेल्सियस का अराउंड रहता है। हरियाणा में उत्तरी भागों में पर्वतीय क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है? तो 200 सेंटीमीटर होती है, पता होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं जो पेपर में आती हैं। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान रहता है, ऑप्शन में पा जाएंगे 10%, 12, 14 और 16। अब बैठे बैठे कन्फ्यूज रहते हैं यार हम, अब पढ़ा होता है तो हमें क्लिक कर जाएगा कि 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। लगते आसान है पर पेपर में यही क्वेश्चन टफ हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं ना बैठे बैठे। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अधिकतम वर्षा होती है 25.38 सेंटीमीटर। दक्षिणतः भाग में अधिकतम वर्षा होती है 25.38 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला, हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी भाग में जो है सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। हरियाणा के किस भाग में ग्रीष्मकाल में लू नामक गर्म एवं शुष्क हवाएं चलती हैं? तो दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग में जो है हरियाणा के में लू चलती हैं, ठीक है। हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने हैं मई और जून, ऑब्वियस ही बात है जून चल रहा है। ग्रीष्मकाल में हरियाणा का औसत तापमान रहता है 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है भाई, इस बार तो 46 डिग्री भी छू गया कई जगह। तो हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिम भाग में सबसे कम वर्षा होती है। डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार दो तरह की जलवायु हरियाणा के अंदर पाई जाती है। हरियाणा की गणना की जाती है न्यून वर्षा वाले राज्यों में, ठीक है। कैसे राज्यों में हरियाणा की गिनती होती है? जिनमें कम वर्षा होती है, कम वर्षा वाले राज्य, न्यून वर्षा वाले राज्यों में हरियाणा की गिनती होती है। हरियाणा में कौ प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्र में कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टियों में पाई जाती है? 72 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, आपको पता ही होगा हरियाणा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नदी है वो यमुना है। टांगरी नदी किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? टांगरी मारकंडा की सहायक नदी है। घग्गर नदी पंजाब में बहते हुए हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? घग्गर नदी पंजाब में बहते हुए हरियाणा के सिरसा में आ जाती है घग्गर नदी। चलिए, कौन सी नदी ताजेवाला के उत्तर में कलेसर के समीप हरियाणा के यमुनानगर जिले में हरियाणा की सीमा में प्रवेश करती है? तो यमुना नदी, ठीक है। नीम राणा सुरैटी चुचुकवास आदि क्षेत्र किस नदी से सिंचित किए जाते हैं? तो कृष्णावती नदी से सिंचित किए जाते हैं, ठीक है। हरियाणा की कौन सी झील विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है? तो बड़गल जो झील है फरीदाबाद के अंदर वो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है। प्रसिद्ध बड़गल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बड़गल झील फरीदाबाद स्थित है, बता चुका हूँ फरीदाबाद स्थित है। कौन सी नदी पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है? तो सरस्वती नदी संगरूर में घग्गर नदी में मिल जाती है, ठीक है, सरस्वती नदी मिल जाती है घग्गर में। मेवात जिले के नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी निकलती है। कौन सी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है? तो भैया साहिबी नदी नजफगढ़ नाले के द्वारा यमुना में मिल जाती है। हरियाणा के फर्रुखनगर में कौन सी झील है? सुल्तानपुर झील। कृषि प्रणाली में सुधार के संबंध कौन सा कथन गलत है? भूमि को हवा के विपरीत दिशा में जोतना, ठीक है। कृषि प्रणाली में सुधार के संबंध में भूमि को हवा के विपरीत नहीं जोतना चाहिए। हरियाणा के मैदानी भाग में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पीले रंग की उपजाऊ मृदा पाई जाती है, पीले रंग की उपजाऊ मृदा पाई जाती है, ठीक है। हरियाणा का कितना क्षेत्र वायु अपरदन से प्रभावित है? 12 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो मृदा अपरदन से वायु अपरदन से प्रभावित है, ठीक है। इतना क्षेत्र 12 लाख हेक्टेयर। किसे रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है? मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। गृहपालदीय मृदाओं को कहाँ घर कहा जाता है? कहाँ घर कहा जाता है? कालका। कौन सी मृदा शुष्क भूमि कृषि के लिए उत्तम समझी जाती है? तो हल्की मृदा शुष्क भूमि कृषि के लिए उत्तम समझी जाती है, हल्की मृदा जो है। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोमट मृदा। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र हरियाणा में भूमि कटाव लवणता बताता सेम की समस्या से ग्रसित है? 50% भाग। ईख की खेती हरियाणवी प्रहसन किसने लिखा?
राजा राम शास्त्री ने, ईख की खेती हरियाणा विप्रेशन राजा राम शास्त्री ने लिखा है, ठीक है भाई, ईख की खेती। बालू का स्तूपों की प्रधानता किस मृदा की विशेषता है? अत्यंत हल्की मृदा की विशेषता बालू का स्तूपों की प्रधानता, ठीक है। हरियाणा के किस भाग में हल्के भूरे रंग की रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। किस मृदा में बालू मृतिका एवं सिल्ट का लगभग बराबर अनुपात पाया जाता है? बलुई दोमट मृदा में बालू मृतिका एवं सिल्ट का बराबर भाग पाया जाता है। हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब पेपर में आ जाएगा लाल चेस्टनट मृदा। अच्छा सच बताओ, कितने बच्चों को पता है कि लाल चेस्टनट मृदा हरियाणा के यमुनानगर में पाई जाती है? लाल चेस्टनट मृदा हरियाणा के यमुनानगर में पाई जाती है। किस मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? अत्यंत हल्की मृदा में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है, ठीक है। अब देखो ये वीडियो आपको किस तरह से मदद करेगी भाई, जब कहीं भी जा रहे हो आप, मान लो कहीं जॉब पे जा रहे हो, घर में बैठे हो, रात को सोने से पहले अपने कानों में ईयरफोन्स लगाओ और इस वीडियो को चला दो, सुन सुन के याद हो जाएगी। एक दिन में याद नहीं होगी, अगर बोरिंग तरीके से पढ़ोगे तो याद नहीं होगी, डेली सुन 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 के सुबह जब भी फ्री हुए कहीं जा रहे हो लगा के ईयरफोन्स, ठीक है। पर सावधानी से, ऐसा नहीं कुछ जरूर काम कर रहे हो बाइक चलाते चलाते, ठीक है। चलिए, हरियाणा की कितनी भूमि लवणता एवं क्षारीयता से ग्रसित है? 32% भूमि लवणता और क्षारीयता से क्या ग्रसित है हरियाणा के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, हरियाणा के किस भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है? उत्तम पश्चिम भाग में, हरियाणा के उत्तम पश्चिम भाग में अपेक्षाकृत बलुई दोमट मृदा पाई जाती है। मध्यम मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया मध्यम मृदा को। झिरका में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? झिरका में मोटी दोमट मृदा पाई जाती है। किस मृदा को खादर कहा जाता है? सामान्यतः भारी मृदा को खादर मृदा कहा जाता है। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.53% भाग में वन पाए जाते हैं। देखो भौगोलिक क्षेत्र के पूछ रहा है वो कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं, 3.53%। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया गया? फतेहाबाद में सबसे कम वन क्षेत्र पाया गया 2013 के अकॉर्डिंग। वर्ष 2013 स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? 1,559 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू हुई थी? सन 1989 से 90 में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना शुरू हुई थी। राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं? 15.97% भाग में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र पाए जाते हैं। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनच्छादन एवं वृक्षादन है? 6.80% के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6.80% भाग में वनच्छादन एवं वृक्षादन है, ठीक है। कंवल हरियाणवी हरियाणली द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है? कंवल हरियाणली द्वारा रचित कहानी का नाम है आशा की किरण लिखी है कंवल ने, क्लियर। रामफल चहल द्वारा पारिवारिक संबंधों के विषय में रचित नाटक का क्या नाम है? साझा सिर। रामफल चहल द्वारा पारिवारिक संबंधों के विषय में साझा सिर नाटक लिखी गई। आम और जामुन किस वन की विशेषता है? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन की विशेषता है आम और जामुन, क्लियर है। शंकर लाल यादव द्वारा रचित कथासार कौन सा है? राजा का सपना। भाई अब तो अच्छे क्वेश्चंस हैं ना, अब तो नहीं लिखोगे कि सर वही क्वेश्चंस हैं पुराने हैं, ये तो थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, ये तो तुम्हें नहीं पता होंगे, है ना। शंकर लाल यादव द्वारा रचित कथासार कौन सा है? राजा का सपना। हरियाणा के किस जिले में झाड़ियाँ हैं? पंचकुला में झाड़ियाँ हैं भैया। हरियाणा के किस जिले में झाड़ियाँ नहीं है? जींद में झाड़ियाँ नहीं है। देखो झाड़ियाँ हैं पंचकुला में, झाड़ियाँ नहीं है जींद में, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। संत कवि गरीबदास कहाँ के रहने वाले थे? छोड़ानी एक जगह है झज्जर के अंदर, वहाँ पर संत कबीरदास रहते थे। किस जिले में कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? यमुनानगर में कलेश्वर, पता ही हो गए तो यमुनानगर में ना कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, अगला चलते हैं। चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क यमुनानगर में स्थापित किया गया है। हरियाणा के कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2 राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में। सुल्तानपुर को जलीय पक्षियों हेतु आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया? वर्ष 1972 में।
कुंडली औद्योगिक संपदा में लघु औद्योगिक इकाइयों के एक ग्रुप के लिए कितनी लागत से एक साझे मल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई? 79 लाख, ठीक है, 79 लाख। कुंडली औद्योगिक संपदा में लघु औद्योगिक इकाइयों में एक ग्रुप के लिए कितनी लागत में एक साझे मल शोधन संयंत्र? 79 लाख। आगे, राज्य में यूरोपियन संघ की मदद से हरियाणा सामुदायिक की नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? यूरोपियन संघ की मदद से बच्चों हरियाणा सामुदायिक की नामक परियोजना शुरू की गई थी वर्ष 1971 में। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई? वर्ष 1971 में। किस जिले में सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है? गुड़गांव में, गुड़गांव स्थित है, पता ही होगा ना सुल्तानपुर पक्षी विहार, बहुत फेमस है गुड़गांव के अंदर ही, बर्ड सेंचुरी सुल्तानपुर, ठीक है, 1971 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। क्लियर, याद रखोगे। लसूड़ा किस वन की विशेषता है? उष्ण कटिबंधीय वन की विशेषता है लसूड़ा। हरियाणा में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट लागू किया गया था वर्ष 1999 में, वर्ष 1999 में। हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू की गई 1 नवंबर 2003 को, हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू की गई। चैंपियन एवं सेठ के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। हरियाणा की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंध कार्य में लगी हुई है? 70% जनसंख्या कृषि और उससे संबंध कार्य में लगी हुई है। हालांकि आजकल ज़्यादा सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हुए हैं, मुझे जो लगता है सही है यार, हरियाणा बहुत इंप्रूव होता जा रहा है, मैं देख रहा हूँ लोगों में एक क्रेज़ है जॉब के प्रति, और अच्छा भी यार होना चाहिए, अच्छी बात है। हरियाणा के कुल कृषि योग्य भूमि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 81% है। बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी पॉपुलेशन है हरियाणा की या फिर पूरे देश की मैं बात करूँ, पढ़ी लिखी हो, पढ़े लिखे लोगों की सोच बहुत अच्छी होती है, ठीक है, मतलब मैं ही नहीं कह रहा कि जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी सोच गंदी होती है, पर एक आप इन्वायरमेंट के बारे में जानते हो, समझते हो, ठीक है, अच्छी है, एडुकेशन मिलनी चाहिए लोगों को, ठीक है। हरियाणा राज्य को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 2। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सिरसा में होता है भैया गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, याद रखो कि सिरसा में। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? 3रा स्थान है गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में। राज्य के खाद्यान्नों में से सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? गेहूं की। वर्तमान समय में हरियाणा में कृषि एवं संबंध गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पादन वह योगदान है 14.1%। हरियाणा में कृषि एवं संबंध गतिविधियों का सकल घरेलू उत्पादन 14.1% का योगदान है। हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं गन्ना एवं कपास, जो हरियाणा राज्य की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं, ठीक है, व्यावसायिक फसलें। राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है पूर्वी एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में, और इसी के साथ हमारी सेंचुरी पूरी होती है। हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू की गई? तो हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु 2 अक्टूबर 2000 को कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी, और पहली वीडियो पे अभी 1000 व्यूज़ भी नहीं आए हैं, ठीक है, 800 हो गए हैं जो मैंने कल रात को डाली थी यार, ठीक है, मिनिमम यार 10,000 व्यूज़ तो आने ही चाहिए, मज़ा आता है तब, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कम व्यूज आएंगे, शेयर नहीं करेंगे तो हमारा भी, ठीक है, एक हर इंसान का एक अंदर से जज्बा होता है, जो व्यूज़ नहीं आते तो ऐसा लगता है कोई देख ही नहीं रहा है, किसके लिए मैं वीडियो बनाऊं। तो प्लीज़ वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को बताइए कि यार यहाँ पर जीके का पूरा बहुत सारे क्वेश्चंस, जीके के जल्दी मैथ्स की वीडियो भी रिकॉर्ड करनी है, हमने स्टार्ट कर दी है, वो आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी मैथ की भी, ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य में गन्ना उत्पादन किया जाता है पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी जिलों में, ये बता दिया। 101 क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के दौरान राज्य में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई? 3.8% वृद्धि की गई कृषि एवं उससे रिलेटेड क्षेत्र में, ठीक है। भैंस की कौन सी नेशनल ब्लैक गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है? मुर्रा, जो भैंस है हरियाणा के अंदर जो फेमस है, ब्लैक गोल्ड के नाम से फेमस है मुर्रा। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई वर्ष 2007 से 2008 में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान स्थित है हिसार के अंदर है भैया, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना वर्ष
किसमें की गई? वर्ष 1995 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना की गई। हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से ही हो जाती है? तो उत्तरी पूर्वी जो भाग है हरियाणा का, उसका ऑलमोस्ट, ठीक है, जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है उसकी अधिकांश जो है हम इरिगेशन सिंचाई वर्षा से ही हो जाती है, ठीक है। हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? 51.12% भाग पर। हरियाणा में वर्ष 1987 में पड़े अभूतपूर्व सूखे में किस सिंचाई परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ फसलों को बचाया गया? जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना थी वो 1987 में। भाई एक सूखा पड़ा था हरियाणा के अंदर, तो एक सिंचाई योजना चलाई गई थी, परियोजना जैसे जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना के नाम से जाना गया। राज्य की किस सीमा पर घग्गर एवं सतलुज का भागड़ा नागल की नहरों से पानी मिलता है? तो राज्य की किस सीमा पर घग्गर एवं सतलुज को भागड़ा नागल की नहरों से पानी मिलता है? तो पश्चिमी सीमा को। नरवाना शाखालिंग की जल क्षमता है 2700 क्यूसेक। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया है? तो भिवानी उत्थान, देखो इन परियोजनाओं के नाम भी याद कर लेना, कौन सी परियोजना की बात चल रही है यहाँ पर बात चल रही है भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत, तो आपको पता होना चाहिए 220 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया था। कौन सी परियोजना थी? भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना, समझो। और अगर सर क्या करना है, आपको नोट्स बना लेने हैं, ठीक है, नहीं स्क्रीन शॉट्स, या फिर इसी वीडियो को बार बार चला चला के देखना है। एडी पार्क यूट्यूब चैनल पर इतनी वीडियोस पड़ी हैं भैया, हरियाणा जीके की मैथ की सब की वीडियो डालेंगे, टेंशन मत लो। चलिए, हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? नलकूप की सहायता से, फव्वारों द्वारा। नलकूप की सहायता से, फव्वारों द्वारा हरियाणा के रेतीले भाग में सिंचाई की जाती है। महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया? JLN उत्थान सिंचाई परियोजना, देखो नई सिंचाई परियोजना आ गई, JLN उत्थान सिंचाई परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में वर्ष 1976 में पानी छोड़ा गया। पश्चिमी एवं पूर्वी यमुना नहर किस स्थान से निकलती है? ताजेवाला की जगह है, ताजेवाला वहाँ से निकलती है यमुना नहर। वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार हरियाणा में गायों की संख्या कितनी है? तो हरियाणा के अंदर गायों की संख्या वो है 18.08 लाख। वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार पशुधन की संख्या है 89.98 लाख। हरियाणा की किस नस्ल की भैंसे सारे भारत में प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंसे। हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है? तो हिसार जो है पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है भाई, हिसार, ठीक है, हिसार वहाँ पे वैसे भी बहुत सारे अनुसंधान है पशुओं के लिए। मुर्रा नस्ल की भैंसें औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम तक दूध दे देती हैं? 15 से 20 किलोग्राम। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? उदयवान हंस। प्रथम हास्य व्यंग कवि कौन थे? मीर जाफर जगथाली, ये क्वेश्चन आया हुआ था। प्रथम राजकवि थे उदयवान हंस, प्रथम हास्य व्यंग कवि थे मीर जाफर जगथाली। हरियाणा की प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका थी। प्रथम पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका। प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन था? झाड़ू फिरी, पता होगा। देखो ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है उन्हें मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ, जो मुझे भी पता है कि यार बहुत पुराने क्वेश्चन है, बच्चों को मोस्टली पता ही है। हरियाणी प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक कौन थे? राजाराम शास्त्री थे प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक। प्रथम समाचार पत्र संपादक कौन थे? दीनदयाल शर्मा। प्रथम हरियाणवी फिल्म निर्माता कौन थे? देवी शंकर। हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी कल्पना चावला, जो कि करनाल जिले से संबंध रखती हैं, ठीक है। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? प्रकाश, हिंदी समाचार पत्र है, प्रथम समाचार पत्र नहीं, प्रथम हिंदी समाचार पत्र है प्रकाश। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन से जिले में खुला? रोहतक में खुला 1926 में। हरियाणा में आर्य समाज की प्रथम शाखा रेवाड़ी में 1880 में। कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? बाबू मुरलीधर जो थे कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही थे। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ खोली गई? तो हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा झज्जर में 1914 में खोली गई। हरियाणा की प्रथम महिला एवरेस्ट पर्वतारोही थी संतोष यादव, जिन्होंने 2 बार फतह किया। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। प्रथम राज्यपाल धर्मवीर। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा से प्रथम कौन थे? नवाब मंसूर अली खां, जिन्हें की
उन्हीं के वंश के हैं अपने जो सैफ अली खान है, ठीक है। हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित है? बाहर से एक जगह झज्जर में। कुपोषण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार स्वरूप 200,000 कौन से जिले को प्राप्त हुए? पंचकुला को कुपोषण में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है पंचकुला को। हरियाणा की नारी शक्ति पुरस्कार कानगी देवी अवार्ड किसे दिया गया? बेटियों को बचाने के लिए दिया जाता है कानगी देवी जो अवार्ड दिया जाता है कानगी बेटी अवार्ड। 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का समापन कब हुआ? 15 फरवरी 2016 को। 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में फोकस कंट्री के रूप में कौन शामिल थे? चीन जापान। 29वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2015 के थीम राज्य में कौन चुना गया? छत्तीसगढ़। सूरजकुंड मेले में प्रथम फोकस राष्ट्र 2009 में कौन सा देश था? मिस्र, ठीक है। 2009 में प्रथम फोकस राष्ट्र। निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए इन्वेस्टर समिट कहाँ से कब आयोजित की गई? तो 7-8 मार्च 2016 को गुड़गांव से निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए इन्वेस्टर समिट चालू की गई। हरियाणा का राजकीय पक्षी है काला तीतर, राजकीय पशु है नीलगाय, राजकीय खेल है कुश्ती। हरियाणा केसरी के नाम से फेमस है पंडित नेगीराम। आसान क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं। हरियाणा की मुख्य भाषा हिंदी और हरियाणवी। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान सूर सम्मान जो हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार। चलिए हरियाणा का सर्वोच्च कृषि पुरस्कार है चौधरी देवीलाल पुरस्कार। लोह पुरुष के नाम से बंसीलाल फेमस है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है हिसार के अंदर। हरियाणा की कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? तो मोरनी हिल्स जो है वो हरियाणा में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। देश में सबसे अधिक ट्रैक्टर उत्पादन करने वाला राज्य हरियाणा है। हरियाणा का काशी भिवानी को कहा जाता है। हरियाणा में पीतल नगरी किसे कहा जाता है? पीतल नगरी कहा जाता है रेवाड़ी को कहा जाता है पीतल नगरी। सरस्वती नगर हरियाणा में किस जिले को कहा जाता है? तो सिरसा को पहले सरस्वती नगर कहा जाता है और भी कहा जाता है। जयंती देवी नगर को और किस नाम से जाना जाता है? जींद को। स्टील सिटी देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टील सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? हिसार जो स्टील सिटी के नाम से फेमस है। मिक्सी सिटी के रूप से ख्याति प्राप्त जिला है अंबाला। कौन से जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? करनाल को और क्या कहा जाता है जल्दी से मुझे बताओ। पेरिस भी कहा जाता है इसे हरियाणा का, ठीक है। देश में धर्मनगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कुरुक्षेत्र। कपिल मुनि की नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? कैथल। हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है? तो शहीदों का शहर कहा जाता है झज्जर को। पेरिस ऑफ हरियाणा बता ही चुका हूँ करनाल है। उद्योग नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिले जाना जाता है? उद्योग नगरी कौन है? फरीदाबाद और बुनकरों की नगरी कौन है? पानीपत। पहले बता चुका हूँ पहली वीडियो में। वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा। खुम्बी उत्पादन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। देश में सबसे पहले सैनिक ITI की स्थापना कौन से राज्य में की गई? तो देश में सबसे पहले सैनिक ITI की स्थापना हरियाणा में करी गई। देश में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? हरियाणा में। वैट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में कौन से जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरुआत की? तो ये पानीपत होगा। नई खेल नीति 2015 में हरियाणा राज्य द्वारा अपने खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप दी जाने वाली सबसे बड़ी राशि है 6 करोड़। पढ़ी लिखी पंचायतों के गठन में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? पढ़ी लिखी पंचायतों के गठन में हरियाणा का पहला स्थान है। देश में कौन से राज्य से अपनी बेटी अपना धन नाम की योजना शुरू की गई? तो हरियाणा में अपनी बेटी अपना धन के नाम से योजना शुरू की गई। आधार सक्षम ऑनलाइन जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण प्रणाली कब शुरुआत की गई? 2 मई 2015 को। डॉक्टर मंगल सेन ने बहुआयामी व्यक्तित्व पर शोध हेतु एक पीठ कहाँ स्थापित की गई? महेंद्र दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में, जो कि MDU के नाम से फेमस है। डॉक्टर मंगल सेन ने बहुआयामी व्यक्तित्व पर शोध हेतु एक पीठ स्थापित की। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रदेश की पहली NCC अकादमी खोली जाएगी कहाँ पर? NCC अकादमी करनाल में। हरियाणा में अंतर जातीय विवाह योजना की नगद राशि 1,01,000। हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर कहाँ खोला गया? वन स्टॉप सेंटर करनाल में खोला गया।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाले दो जिले कौन हैं? करनाल और जींद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने वाले जिले हैं। विश्व स्तरीय हर्बल वन कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए, क्या किया जाना प्रस्तावित है? मोरनी की पहाड़ियों में विश्व स्तरीय हर्बल वन। पुरातत्व विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? पंचकुला में। पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? हिसार में। पुरातत्व विभाग द्वारा राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ बनाया गया? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए 20 करोड़ की राशि कौन से जिले के लिए प्रदान की गई? झज्जर को। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हरियाणा में गो अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो मलिकपुर बागड़, यमुनानगर बाठड़ा, भिवानी में। इन दो जगह, यमुनानगर में मलिकपुर बागड़ एक जगह है और भिवानी के अंदर बाठड़ा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हरियाणा में गो अभयारण्य कहाँ स्थापित किया? पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? हिसार में। हरियाणा के किन दो वैज्ञानिकों को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? तो हरियाणा के डॉक्टर जितेंद्र नाथ वर्मा को और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वर्मा को हरियाणा विज्ञान रत्न पुरस्कार प्राप्त है। हरियाणा के किन दो वैज्ञानिकों को हरियाणा युवा विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर सुदेश कुमार को एवं डॉक्टर पंकज गर्ग को हरियाणा में हरियाणा युवा विज्ञान रत्न से सम्मानित किया गया। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? कैथल जिले के गांव मुंदड़ी में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत कहाँ से की गई? तो मिशन टीबी फ्री की स्थापना गुड़गांव से की गई। मेदांता हॉस्पिटल है, अगर आप यहाँ से निकलते हो तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पर टीबी के खिलाफ अच्छी खासी योजनाएँ शुरुआत करते रहता है। ठीक है, मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत किसने की? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व सिनेमा स्टार अमिताभ बच्चन ने। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो फरीदाबाद और पलवल के बीच में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। फल उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा में किस जिले में स्थित है? तो फल उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा के सिरसा में स्थापित है। अमरूद प्रदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित है? फतेहाबाद के भूना कस्बे में। बागवानी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? करनाल में। थारी पेंशन थारे पास योजना कब शुरू हुई? 4 अगस्त 2015 को थारी पेंशन थारे पास योजना शुरू की गई। इसी के साथ ख़त्म होते हैं आज के 200 क्वेश्चंस। मुझे पूरी आशा कि आपको बहुत बहुत मज़ा आया होगा। वीडियो को अगर आपको लगे कि मेरा गला भी बैठ गया है 200 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, आपको लगे कि जी सर ये क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस थे, और इसमें ऐसा भी नहीं कि वही जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो थे, अच्छे क्वेश्चंस थे बहुत सारे। इन 200 में से मेरे को लगता है आपके लिए 50 से 60 से 70 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मिनिमम जिन्होंने पढ़ा भी होगा हरियाणा जी को पहले, कि 60 से 70 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा होगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि हमें और वीडियोस बनाने की क्या मोटिवेशन मिले मैथ्स। ठीक है भाई, देखो खर्चा भी होता है यार, ठीक है, हम आपके लिए बोर्ड लेके आए हैं अभी, ठीक है, तो वीडियो को शेयर करोगे तो यार थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा आपकी ओर से, और तो क्या ही कह सकते हैं। खुश रहिए तब तक के लिए, ठीक है, अगली वीडियो जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।